भगवान स्वामी नारायण की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणादितान स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्र जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। दिल्ली अक्षरधाम महोत्सव की जय। माननीय श्री राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहेब, वड़ा प्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंह, माननीय श्री अडवाणी साहेब और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहेब और सब भक्त लोग और आमंत्रित सब लोग, संत लोग भी प्रार्थना साथ आशीर्वाद है। गीतामा भगवान श्री कृष्ण ने एक बात किया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अधर्मस्य निनाश करवा माटे भगवान युग युग ने अंदर जन्म लेते हैं, ऐसे वचन अपने गीता में किया है। इस तरह से भगवान राम कृष्ण और अवतार अपने भारत में हुए, उन्होंने सब यहाँ आने का कारण तो यही है कि लोगों ने लोगों का कल्याण हुए, शांति हुए और परमात्मा की प्राप्ति करें। इसी तरह से भगवान स्वामी नारायण 200 वर्ष पहला अयोध्या के बगल में छपैया गांव में प्रकट हुए। 11 वर्ष की उम्र में उसने घर त्याग करके सारे भारत की यात्रा की। सौराष्ट्रम जाके रामान स्वामी का आश्रम ठहरे, वहाँ के संत की आचार विचार और भक्तिभाव देख के वहाँ ठहर गए। रामान स्वामी की मुलाकात हुई, दर्शन हुआ। बाद रामान स्वामी भी पहले से कहते थे अपना शिष्यों को कि मैं तो डुग डुग भगाने वाले हैं, सब लोग को इकट्ठा करने के वाले हैं, लेकिन आप सर्व का कल्याण करने वाले एक पुरुष आए रहे हो, वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो फिर रामान स्वामी ने कहा जिसकी जिसकी बात मैं कहता हूँ करते थे वही ये स्वामीनारायण भगवान आ गए। बाद में भगवान स्वामीनारायण ने अपना ये कार्य शुरू किया। उसका कार्य मतलब वो तो इस तरह वो समय में सारा लोगों में खूब अंधाधुंधी थी, व्यसनी भी खूब लोग थे, दारू शराब और अफीन गांजा सब पीते, तम्बाकू सेवन करते थे और लुटारू लोग सर लूट लेते थे, मारते थे, जुटते थे, ऐसी एक परिस्थिति थी। उस परिस्थिति में भगवान स्वामीनारायण ने वो लोगों के साथ बैठे उठे और उसके साथ प्रेम किया। प्रेम करने से वो लोग का हृदय परिवर्तन हुआ और सब जो अपना आसुरी कृत्य था, उस आसुरी भाव था, वो छोड़ दिया, व्यसन छोड़ दिया और भगवान स्वामीनारायण का आश्रित हुआ। भगवान स्वामीनारायण ने उसको एक पुष्प दिया कि सब आप ये भगवान की भगवान साधे का प्रेम करो, और माला दिए तो माला माने क्या कहे भक्ति का है, इसलिए भक्ति करो, भगवान में प्रेम करो और भगवान की भक्ति करो तो सब सुखेंगे। तो इस तरह से लोग भक्ति करने लगा। बाद में 500 संतों बनाया, ये भी बड़े समर्थ था। उसने भी गांव-गांव जाके लोगों को व्यसन मुक्त किया, भगवान की भक्ति कराया और सारा हुआ। बाद में मंदिरों बनाया कि जिस लोग को मंदिर में जाने से हमारा भारतीय संस्कृति का संस्कार प्राप्त करे, क्योंकि ये संस्कार भारतीय संस्कृति वो शास्त्रों से होती है। हमारा शास्त्रों में ये बात सब लिखी है, तो शास्त्रों ना पठन पाठन करने से मिलती है और मंदिरों करने से भी, उसमें भगवान का पाठ पूजन करने से संस्कृति ठहरे। तीजा है संत, हमारे भारत के थे बड़े संत हो गया, आध्यात्मिक संत हो गया, उसके समागम से हमारी संस्कृति टिकते हैं। तो ही सब स्वामीनारायण भगवान ने ये शास्त्रों बनाया, संतों बनाया और मंदिर बनवाया,
जिसमें से हमको शांति मिलती थी, प्रेरणा मिलती थी, हम सारा कार्य कर सकते। भगवान स्वामी ने शिक्षा पत्री एक छोटा सा पुस्तक, 212 श्लोक संस्कृत है, वो बनाए, वो पते रचना की। उसमें पहले ही से लिख दिया है कि हूँ ये मैं जो शिक्षा पत्र लिखता हूँ तो सर्व जीव हिता हुआ, इमने कोई नात जात का भेद नहीं रखा, छोटे बच्चे के नहीं है, देश कोई आदेश के मनुष्य आदेश के मनुष्य ऐसे ही नहीं, सब लिए मैं शिक्षा पत्र लिखता हूँ, सबके कल्याण के हमें लिखता हूँ। इसलिए भगवान स्वामीनारायण शिक्षा पत्र आचार संहिता जिसको हम कहते हैं, उसमें सब गृहस्थ का धर्म है और ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, गृहस्थों का धर्म है, संतों का धर्म है, वो आचार कि इस तरह से संतों ही रहना, इस तरह से कार्य करता, मनुष्य किस तरह करना, राजा का क्या धर्म है, ये सब बात लेके। अरे आचार संहिता जी समाज के तो ये में से सबका धर्म सब लोगों ने वो पढ़ने की आज्ञा भी की, ऐसे पढ़ के कई लोग उसको समझ गया और उसका आचार विचार शुद्ध बना और शांति सारा देश में हो गई। बाद ये प्रमाणे ये कार्य कर के बाद भगवान स्वामीनारायण एक अपना परिवार जो भगवान आते हैं, भगवान पुत्रकला धाम अक्षरधाम से जब पृथ्वी पर आते हैं तो अपना समाज भी ले आते हैं, वो समाज द्वारा सब एक कार्य जो शुद्धिकरण का है, ब्रह्म ज्ञान का है और आत्मा परमात्मा ज्ञान का ये बात करते हैं। अने ये काम के लिए गुणातीतान स्वामी को साथ में लाए थे, बाद में भगत जी महाराज, बाद में शास्त्री जी महाराज, ये संस्था उच्चासनवासी अक्षर संस्था BAPS उसका स्थापन जिसने किया है, उसका कार्य तो यही था कि शास्त्रों में जो लिखा है अक्षर ने पुरुषोत्तम ब्रह्म ने परब्रह्म के बाद, ये बात गीता में भी ले 8वां अध्याय नहीं अंदर अक्षर योग है, 15वां अध्याय में पुरुषोत्तम योग है, अक्षर ने पुरुषोत्तम वो शास्त्रों से इसने किया, हमारा संप्रदाय इस ग्रंथों में भी अक्षर पुरुषोत्तम की बात है। तो ही ज्ञान से लोगों को शांति मिलेगी, कोई तत्व ज्ञान है अक्षर योग ने पुरुषोत्तम जो, तो ऐसे तत्व जो ब्रह्म ने परब्रह्म से उसका ज्ञान सबको हुए और सब ये इस तरह चले तो उसका मोक्ष कल्याण, उसे देश में भी शांति हुए। ये बाद में मंदिरों भी हमने स्वामी जी ने बनाया, बाद में योगी जी महाराज ये पर कार्य किया कि उसने ऐसा हुआ कि अत्यारे जो हवा भौतिकवाद के अंदर बालकों से छोटे छोटे बालकों से ये जो संस्कार दिया जाए तो आगे जाता हूँ समाज में शांति, राष्ट्र में शांति हो जाए। तो बाल मंडल, किशोर मंडल, ये सब युवक मंडल, महिला मंडल, युवक्री मंडल, सत्संग मंडल, ऐसे सब मंडल का स्थापन किया, दर रविवार इकट्ठा होकर भगवान की भक्ति करा, ये आदर्श सबने ले लिया। उसमें से आज सारा देश के अंदर और प्रदेश में ठहर ठहर हो रहा है, ऐसी हवाओं चलती है, उसमें से भी बालकों में भी आज बहुत संस्कार है। यही अपने बाल लोग को तो आज यही है तो वो कितने के वहाँ जाके भी कुछ बोले दारू मांस और अफीन सेवन कोई करते नहीं है और ये संस्कार रखते हैं। अमेरिका देश के दूसरा अयोपा देश में भी जो हम लोग गए हैं तो ये संस्कार रखता है, वहाँ मंदिरों हुआ तो मंदिरों से ही संस्कार हुआ, संतों जाते तो संस्कार मिला। तो इसी तरह ये कार्य हो गए। स्वस्थ योगी बाबा ने यही एक संकल्प था का ये जमुना के किनारे मंदिर था तो उसके प्रदर्शन उसके हयाती में तो नहीं हुआ लेकिन उसका संकल्प दृढ़ था। को यो योगी महाराज ऐसे ही संत था कि कायम हंसते रहते थे, सबको देख के आनंद देते थे और आशीर्वाद देते कि भगवान सर्व का भला करे, ऐसी भावना इसकी थी, हृदय में दया प्रेम ये था। आज अपने गमे इतना काम करिए पर मानस ने प्रेम से जो करो प्रेम करो तो ये बालक ने अपने पर प्रेम होता है। भगवान स्वामीनारायण ने किया है और शास्त्री माँ योगी माँ ने ये किया है कि सबके पर प्रेम किया, उसका नाच जात का भेद नहीं, जो कुछ आवे कोई पन धर्म कोई पन देश का मनुष्य आवे तो उस पर प्रेम करे तो उसे धर्म में भावना होती है। तो आइए वैर से जो अपने लोग के साथ वैर करेंगे
तो वैर से शांति नहीं होती, उसके साथ प्रेम करो। प्रेम करने से मनुष्य को वो अपने मन में निकल जाएंगे दुश्मन और शांति मिल जाएगी। तो ऐसे ही प्रेम जोगी बाबा का था। तो पटेल लिखे आज जो संत है सब, तो इस संत ने प्रेम थी अपना अभ्यास छोड़कर बाद में साधु हो गया, आज जो कार्य कर रहे एक अपने जो देखा है, ये संतों का भी उसमें बहुत योगदान है, उसका विचारो और बुध। तो कहने की बात है कि इस योगी जी महाराज ने करने से ये संप्रदाय के लिए निर्जा और ऐसा एक स्थान बन गए हैं कि आज देख के हम सबके हृदय में शांति होती है, प्रेरणा होती है। इसलिए क्यों ये अक्षरधाम जो बनाया है, ये अक्षरधाम बनाने का एक योगी बक्का का संकल्प और उसकी भावना थी कि ये धाम से ये संस्कार मिले, शांति मिले और लोगों के अंदर राष्ट्र भावना जागृत हुए, समाज भावना जागृत हुए और कुटुंब भावना जागृत हुए, ऐसे वो लोगों का कल्याण हुए ये भावना से गया। और इस भावना ये अक्षरधाम बनाया। अक्षरधाम बनाने का कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई हरीफाई कर रहे, इसमें कोई हरीफाई की बात है ही नहीं, पर ये आध्यात्मिक पुरुष का विचार सबका कल्याण का है, मोक्ष का है, शांति का है, भारत का और दुनिया का उत्कर्ष होए, शांति होए, यही ये भावना है। तो उसमें से ये भावना लेके सब लोग आवे, देखे, धन धन को प्रेरणा मिले, इसलिए पहले कोई हरीफाई जैसी बात नहीं है। हमारी बड़ाई वधी हमें हमारा ये कार्य सबसे ऊंचा है, सबसे हमें पढ़ ऐसी बात नहीं है, ये कार्य करने यही भावना है कि कोई करे। हमारे कोई देश में राग देश किसी के साथ नहीं करते हैं, ये करने के का तो इतना ही है कि हमारा ये भगवान का आश्रित हुए, कल्याण हुए, यही भावना से हुआ। पहले कोई हरीफ है की बात नहीं है कि दूसरे ने ये काम किया उससे हम ज़्यादा करें, अच्छा करें, बड़ी वो दुनिया, पर हमारी भावना यही है। इस भावना से योगी जी बाबा जो हमने आदेश दिया कि सबके साथ मिलते जुलते रहना, सब भगवान स्वामीनारायण के लिए आदेश है कि अब अपना धर्म में, अपने भगवान की श्रद्धा में अपने दृढ़ रहना, पर दूसरे का धर्म का अनादर नहीं करना, आदर करना, दूसरे का जो शास्त्रों मंदिरों है उसका अनादर नहीं करना, आदर भी करना, अपने धर्म में दृढ़ रहकर दूसरे के साथ प्रेम करके आपने जो रही है तो उसमें शांति रहती है, शांति रहती है। इसलिए भगवान स्वामीनारायण पर यही था कि अपना धर्म में दृढ़ रहो और दूसरे का धर्म का आदर करो, दृश्य मन को आदर करो, अपने जीवन में दृढ़ता हुए। तो यही आदेश आज योगी जी महाराज ने था। तो इसलिए मंदिर ये अक्षरधाम बनाया है, उसमें भी कोई ऐसा ये नहीं इच्छा नहीं है कि हम सबसे बड़ा बन जाए, हमारे दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ जाए, कि हम यही कार्य करके हम दुखों को दिखाई दिए कि हम कैसे काम कर सकते, यही कोई भावना नहीं है। हाँ, तो यही कि हमारा जीवन अंदर भगवान योगी बाबा भी दासानुदास सेवक बन के कार्य किया था, लोगों को रोटी भी खटाते, उसका सफाई करते थे, उसके लिए पहले नीचा मनीचा मानस की सेवा भी करते थे, बड़े की करते थे, पहले सेवक होके काम किया है। इसी तरह से आ कार्य जो हुआ है ये भगवान स्वामीनारायण के प्रताप से हुआ है और योगी बाबा शास्त्री महाराज की प्रेरणा से, अपना संकल्प से, साथ साथ में सब जो हमारे संत लोग हैं वो संत लोग भी उसमें बहुत बड़ी सेवा है, और साथ हरि भक्तों लोग जो है देश प्रदेश में जो है ये सबका भी सरकार है, समर्पण है, ये समर्पण करते हुआ है, और लोगों को भी जो है भाविक लोग है उस लोगों का भी सरकार है, और सर्वे रीते हर एक का सरकार जब मिला है तो कार्य हुआ है। तो ये कार्य हम ये नहीं, हम तो सेवक और दास होकर सबका कार्य ये लोग को इन्हें किया है, हमने कुछ ये नहीं, पर भगवान के प्रताप से, शास्त्री महाराज के योगी बाबा के प्रताप से ही हुआ है, ऐसा बड़ा काम हुआ है। तो इसलिए हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि ये कार्य ये अक्षरधाम से हर एक को ऐसी प्रेरणा मिले, यहाँ जो आवे वो प्रेरणा लेके जाए, आत्मा की शांति मिले, पोतार का संसार कार्य में लगन रहे और दरेक नागर प्रेम की वृद्धि हो जाए, ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं। दुनिया में शांति हुए, भारत में भी बहुत शांति हुए, और भारत अने सारा देश के अंदर सब प्रकार आध्यात्मिक की वृद्धि थाए, और ऐसी आध्यात्मिक प्रेरणा लेके सब लोग अपना कार्य करें शांति हुए से। बाद में हम एक प्रार्थना करते हैं कि अपना राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहेब ने जब अब विचार किया, उसके 20 वर्ष 21 साल तक में बड़ा एक कार्य उसने संकल्प किया है,
कि सब कैसे हमारा देश समृद्धि ने पावे, विकास ने पावे, सब तरह से सब प्रकार से ये समृद्ध हुए और शांति हुए, ऐसा कार्य हमने किया कि सारा अच्छा मानसो बने, सारा नेता बने, सारा डॉक्टर बने, सारी सारी जो बात है वो मिठाए, ऐसा ही संकल्प हमने किया है। तो ये भगवान प्रार्थना हम करते कि उसके द्वारा पूर्ण हुए और भारत में भी शांति हुए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। बाद में अपन हम आज राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहेब का बड़ा आभार मानते हूँ कि यहाँ पधार के हमको ये प्रेरणा दी है, इसलिए कि हम उसका आभार मानते हैं। साथ में बड़ा प्रधान जो आए उसने भी यहाँ आके हमने प्रदर्शिया, तो उसका भी हम आभार मानते हैं। अडवाणी साहेब जो यहाँ आकर ये सब अपने कार्य बात बताई है, तो उसका भी हम आभार मानते हैं। हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहेब वो भी पधारे, उसका भी आभार मानते हैं। और जे यहाँ आमंत्रित यहाँ जो पधारे भाइयों पधारे हैं उसका भी आभार है। हमारा देश प्रदेश में से जो हमारा हरिभक्त लोग का है और लोग भी आए हैं, जे इसका अनुया हमारा प्रति प्रेम रखते हैं, हमारी साथ संबंध रखते हैं, ऐसे सब लोग यहाँ ये पधारे है, तो सबका मैं आभार मानता हूँ। ओम शांति 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 सहजान स्वामी महाराज।